Hello students, this is lesson 5th of English, word meaning. We have already read and understood word meanings from 1 to 10. Now we will move forward. Beak, mouth of a bird. Bird ka ya phir kisi pakshi ka jo muh hota hai, uski chonch hoti hai, usko hum bolte hain beak. Behind, at the back of, kisi ke peeche. For example, अगर मैं कहूँ she is standing behind me, तो वो मेरे पीछे खड़ी है, तो behind मतलब पीछे. Below, under, the cat is under the table, so below मतलब नीचे, under. Borrow, take from someone, जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं या तो उधार लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं borrow. जैसे अगर आपके पास pencil नहीं है तो आप अपने friend से क्या बोलोगे, मे आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ. सो बोरो मतलब टेक फ्रॉम समवन. ब्रेव, फियरलेस, यानी कि बहादुर, जिसको डर ना लगे. ब्रूम, ब्रश फॉर स्वीपिंग, झाड़ू, झाड़ू को हम बोलते हैं ब्रूम. बिजी, नॉट फ्री, जो फ्री नहीं हो उसको हम बोलते हैं बिजी, जिसको कुछ ना कुछ काम हो. कैच, टेक होल्ड ऑफ. कैच मतलब किसी चीज़ को पकड़ना. फॉर एग्जाम्पल आप बॉल कैच करते हैं तो बॉल को पकड़ना, दैट इज कॉल्ड कैच. क्लीन, नीट, साफ सुथरा. गार्ड, टू प्रोटेक्ट, किसी को बचाना, किसी की सुरक्षा करना, दैट इज कॉल्ड गार्ड. कुक, वन हु कुक्स, जो कुक करता है, जो खाना बनाता है उसको हम बोलते हैं कुक. डेली, एवरी डे, हर रोज. जैसे हम बोलते हैं ना I take bath daily या you should take bath daily, हमें रोज़ नहाना चाहिए, तो daily means रोज़, every day. Deaf, one who is not able to hear, जिसको सुनाई ना दे, यानी कि बहरा, उसे हम बोलते हैं deaf. Dig, to make a hole, किसी चीज़ में छेद करना, जैसे दीवार में छेद करना या फिर खोदना, उसको भी हम बोलते हैं dig. Dirty, not clean, जो साफ ना हो उसे हम बोलते हैं dirty, गंदा. क्लाइंब, टू गो अप, किसी भी चीज़ पे हम ऊपर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंब. जैसे कि ये बच्चा इस दीवार के ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ये स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी के ऊपर जा रहा है, तो क्लाइंब कर रहे हैं ये दोनों. डिसलाइक, नॉट लाइक, मतलब नापसंद, किसी चीज़ को पसंद ना करना उसको बोलते हैं डिसलाइक. ड्राइवर, वन हु ड्राइव्स, जो ड्राइव करता है उसको बोलते हैं ड्राइवर. डम्ब, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता यानी कि जो गूंगा होता है उसको हम बोलते हैं डम. अर्ली, सून, यानी कि जल्दी. सो वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम 11 to 30 यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर इंग्लिश कॉपी.